पर्यावरण संबंधित गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ और मुझे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना अच्छा लगता है। गाइज, इस वीडियो में आपके साथ एक अपना थॉट, एक इनिशिएटिव शेयर करूंगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट कीजिएगा और साथ दीजिएगा। साथ देने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। इससे ही आप भाई, आपकी इतनी सी हेल्प मेरे लिए तो लाखों करोड़ों की है। तो हाँ, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बीच में मैं ये आपको बताऊँगा, स्किप करोगे मे बी वो इंपॉर्टेंट पार्ट वहाँ से निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हे गाइज, ये ट्रक जा रहा है सामने ब्रिज की बिल्डिंग यहाँ हो रही है, वहाँ पर ये कुछ गैस सिलेंडर लेके जा रहा है। मे बी ऑक्सीजन भी हो सकती है या LPG भी हो सकती है। ऑक्सीजन इसलिए जाती है कि गाइज वहाँ गैस बिल्डिंग होती है और यहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे थे, वहाँ LPG बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, उसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और उन सिलेंडर से वो ऑक्सीजन लगा कर वहाँ पर काम करते हैं। चिनाब ब्रिज के पास जाते कि जो रास्ते की व्यूज़ ना खतरनाक ज़बरदस्त से वो दिखाने वाला, ये है सामने सलाल डैम। इसकी वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, अगर आप चाहते होंगे कमेंट में बता दीजिए। तो गाइस, क्या व्यूज़ है, कुछ पशु बैठे हैं यहाँ पर, क्या व्यूज़ है गाइस। जब ये जो जगह है ना, हिमाचल से कम नहीं लगती है। तो देखिए आग आगे आगे क्या मज़ा आपको आने वाला है यहाँ पर। साथ ही हमारे पास अभी एक ट्रक गुजर गया। तो अभी यहाँ पर गाइस हम पहुँचे हैं इस जगह पर, हमें एक बैड न्यूज़ मिली है, गुड न्यूज़ मिली है। बैड न्यूज़ ये कि यहाँ का जो रास्ता है ना, यहाँ का रोड बिल्कुल ही टूट चुका है। साथ में आप देख ही सकते हैं, ये पूरा का पूरा टूट चुका है। ये देखिए सामने, ये फेंसिंग पूरी टूट चुकी है और यहाँ पर रोड बिल्कुल ब्लॉक है। और साथ में ये देखिए, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ कितना बड़ा होल हो गया गाइस। तो यही है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इसके साथ से ही पीछे से होकर रास्ता निकल जाता है और हम यहाँ पर निकल जा रहे हैं। तो कुछ गाइस ऐसा व्यू यहाँ पर, चिनाब ब्रिज के पास एक छोटा सा गांव है, लोग मस्ती में यहाँ रहते हो। क्या सुहावना मौसम होता होगा ना गाइस, आप इमेजिन कीजिए। और सामने वहाँ पर भी देख लीजिए, कुछ लोगों के गांव हैं। और बढ़ते ही जाएंगे आगे, क्या व्यू है गाइस। आइए कभी, मैं तो आपको कहता ही रहूँगा भाई, आइए कभी घूमिए यहाँ पर, क्या नज़ारा है, इतना अच्छा व्यू, आप व्यू का मज़ा ले लीजिए यार। इस गांव का नाम है सर्वेगा। इतनी अच्छी ब्यूटी यहां पर है कि यह वैली जैसा है, आगे पीछे पहाड़ और बीच में छोटा सा गांव है। और यहां खूबसूरती इतनी ज़्यादा यहां पर, कभी आप नाइट स्टे अगर करना चाहें ना, तो अलग ही मज़ा होगा गाइस। एक यहां पर सर्दियों के दिनों बिल्कुल धुंध बैठती है नीचे, और ये पीछे का नाला देख रही, कितना खूबसूरत है यार। ट्रैकिंग के लिए भाई जा सकते हैं पीछे, यहाँ तक जाना चाहें तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा होने वाला है। हे गाइस, मैं आपके साथ एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि मानसून यहाँ पर शुरू हो चुका है, 1 जुलाई से ऑफिशियली जम्मू कश्मीर में मानसून आ जाते हैं और हर जगह अभी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और गर्मी के दिनों में आपने देखा था बहुत सारे फॉरेस्ट फायर यहाँ हुई थी। यहाँ मैं यहाँ भी अभी व्लॉग करने में जाऊँगा, उससे पहले वहाँ पर एक पेड़ ज़रूर लगाऊँगा। तो उस पेड़ की जियोलोकेशन मैं आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया करूँगा। अगर तो गाइस, इस वीडियो के लिए एम रखते हैं 500 लाइक्स का। अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स का एम हमारा पूरा होता है, तो नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरे 10 पेड़ लगाने की वीडियो। और 10 पेड़ लगाने का एम मैंने रखा है, सिर्फ मुझे चाहिए उसके लिए 500 लाइक्स। तो ये आप पूरे कर दीजिए और 10 पेड़ लगाने का जिम्मा मेरा रहा। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे रहा हूँ, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं और अपना नाम भेज सकते हैं। मैं आपके नाम का पेड़ यहाँ पर इन पहाड़ियों में, आप देख रहे हैं, इन पहाड़ियों में लगाऊंगा। और जिस भाई बहन का पहले से पहले मुझे मैसेज आएगा, मैं उस नाम का पहला पेड़ लगाऊंगा और उसी के साथ नेम स्लिप भी लगाई जाएगी और जियो लोकेशन मैं आपको शेयर करूंगा। इन फ्यूचर कभी भी आप माता वैष्णो देवी या शिवखोड़ी यात्रा पर आओगे, वहां तक मैं आपको लेकर जाऊंगा। तो प्लीज़ इस मुहिम के साथ आप मेरे साथ जुड़े और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी बढ़ा सकें। बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस यहां पर हैं, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो वहाँ की व्लॉग्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और यहाँ के लोगों का किस तरह का कल्चर है, किस तरह से वो रहते हैं, अगर उन चीज़ों को भी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप वो मेंशन करें, बताएं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनके ऊपर भी व्लॉग्स बनाऊंगा। चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट की वीडियोस तो आपको मिलती ही रहेंगी,
मिलते हैं एक अच्छी सी बढ़िया सी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।